जो आप लोग अपने पीसी अपने लैपटॉप्स के अंदर खेल सकते हैं और आप लोग ये सब खेलने में बहुत ज्यादा मजा आने वाले बिकॉज तुम लोग हो एक एनिमे फैन। एनिमे फैन है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो इस वाली वीडियो को भी। सो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों का, पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूं। विंडोज 7 से ऊपर की चीजों पे ये चल जाएगा, मतलब विंडोज 7 8 10 11 इन पे चल जाएगा। प्लस आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट i5 सेकंड जनरेशन। ऑल्सो अगर आपके पास एक ग्राफिक कार्ड होता है तो बहुत अच्छी चीज है, और अगर नहीं भी होता है तो 30 FPS के ऊपर ये सही चल जाएगा। 30-40 FPS आपके अंदर आ सकते हैं इस गेम के अंदर। ऑल्दो ये कोई भी ओपन वर्ल्ड टाइप की गेम्स नहीं है, बट या स्टिल आपको कम से कम भी 6 या 8 GB रैम तो चाहिए ही होता है। 3rd, 4th, 5th जो भी मैं आपको बताऊंगा गेम्स, उसको आप 4 GB रैम के अंदर भी खेल सकते हैं, बाय द वे आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बट या अगर आपके पास 6 GB या 8 GB रैम है तो बहुत अच्छी चलेगी, बिकॉज मेरे पास भी अभी मैं GT 1030 ग्राफिक कार्ड है प्लस 8 GB रैम है, और इसके अंदर भाई मेरे को कम से कम भी 70-80 FPS मिल जाते हैं अगर मैं 1080p लो कर लूँ तो। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट गेम के बारे में, बात करने वाला हूँ माय हीरो अकेडमी से, माय हीरो वन जस्टिस। अब इस गेम के बारे में अगर आप एनिमे गेम्स के बारे में सर्च कर रहे थे कुछ टाइम से और अब आपको वीडियो मिली है तो हाँ ये गेम बहुत ज्यादा डिमांड में थी, ट्रेंड पे थी, बहुत सारे लोग इसको खेलते भी हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यार हैं इतने सारे कैरेक्टर, भाई बाकुगो को कौन नहीं चलाना चाहता यार, बाकुगो के ब्लास्ट एक्सप्लोजन कौन नहीं करना चाहता है, और उसी एक्सप्लोजन के चक्कर में भाई ये गेम बहुत ज्यादा हिट हो रखी है। और मैं आप लोगों को बताया था इस गेम के अंदर बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर्स है, वही माय हीरो अकेडमिया के अंदर ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, अपना डेकू हो गया, अपना मिडोरिया देखो तो एक ही, तो मतलब वही उन कैरेक्टर्स के साथ आप 1v1 कोबाल्ट प्लस टीम मैचेस भी कर सकते हो। नेक्स्ट गेम के बारे में आपसे बात करता हूँ जो कि आती है फोर्थ नंबर पे जो गेम है वो कोई और नहीं बट डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा, जो भी आप देख लेना भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन है सही है। हाँ तो इस गेम के अंदर मैं नीचे लिख देता हूँ बाय द वे, हाँ तो इस गेम के अंदर भी वही सेम चीजें हैं, मतलब आप 1v1 कॉम्बैट बैटल्स कर रहे होगे अपने दोस्त के साथ में, प्लस आप इसको कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हो, तो मतलब अगर आप लोनली हो तो मतलब कंप्यूटर है आपके साथ। तो इसके अंदर भी आपको 30-40 FPS मिल सकता है अगर आप 4GB रैम या फिर 8GB रैम के अंदर या 6GB रैम के अंदर खेल लो। 8GB या 6GB रैम में तो आपको ज्यादा ही मिलेगा आई गेस, बिकॉज स्पेस बहुत ज्यादा बच जाएगी आपके पास, तो आपका कंप्यूटर अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपको। बट अगर आपके पास 4GB रैम है तो ये गेम बहुत सही चलेगा आपके अंदर, लैग हो सकता है बट हाँ चलेगा जरूर। थर्ड नंबर की गेम की बात करते हैं टोक्यो गूल, भाई टोक्यो गूल की कौन सी गेम है, रिकॉल टू एग्जिस्ट, हाँ रिकॉल टू एग्जिस्ट। अब इस गेम के अंदर क्या है, इसके अंदर नॉर्मली सेम वही कैरेक्टर्स हैं जो टोक्यो गूल के अंदर यूज होते हैं। टोक्यो गूल भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी एनिमे सीरीज थी अगर आपको अपने दिमाग की मां बहन करानी है तो, बिकॉज इसके अंदर इतनी सारी मिस्टीरियस चीजें हो रही है ना भाई, आपको पता नहीं चलेगा मेन कैरेक्टर कब अच्छा हो जाता है कब बुरा हो जाता है, बहुत चीजें इसके अंदर। अगर आपको बिल्कुल घुस के देखोगे ना इसको एनिमे को, थर्ड सीजन तक बिल्कुल टिक के देख लिया तब आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो वो हो रहा था, अच्छा ये तो वो हो रहा था। सो यही है इस गेम के अंदर मेन चीज की, इसके अंदर बहुत सारे वही टोक्यो गूल्स के कैरेक्टर्स होंगे, वही गूल्स पावर इसके अंदर होगी जो वो यूज करता है, जो अपनी एनिमे के अंदर यूज करता है वही गूल्स पावर इस एनिमे के अंदर गेम के अंदर यूज करेगा। तो अगर आप टोक्यो गूल फैन हो तो थर्ड नंबर की जो गेम है आपके लिए बहुत सही रहने वाली है। सेकंड गेम पर बात करते हैं, बात करने वाले ड्रैगन बॉल सी। अब ड्रैगन बॉल सी गोकू भाई किसको नहीं खेलना, तो ड्रैगन बॉल सी की दो गेम्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो अब सेकंड नंबर की गेम है, इसके लिए कम से कम भी आपको 6-8 GB रैम चाहिए। अगर आप ड्रैगन बॉल सी कैकरोट करते हो, अब कैकरोट जो है वो 4GB रैम भी चल जाएगा तो आपके लिए बहुत सही चीज है, ठीक है ना। तो प्रोसेसर में बाय द वे आपको बताया था इसके अंदर i3 भी चल सकता है, आप एक बार टेस्ट करके देख लेना। मैंने कैकरोट खेल रखा है पेंटम कोर के अंदर, पेंटिनम कोर करके एक प्रोसेसर था मेरे पे, वो डुओ कोर था, तो उसके अंदर तो भाई बहुत सही चलता था, बिकॉज उस टाइम पे PPSS PP के अंदर ये गेम खेली थी मैंने, तो बहुत बताओ एमुलेटर भी पीछे चल रहा है प्लस उसके अंदर गेम चले तो बहुत सही परफॉर्मेंस आ जाया करती थी उस गेम के अंदर। तो मैं आपसे बताने वाला हूँ अब जो मेन गेम है ड्रैगन बॉल जी की, Xenoverse 2 भाई, Xenoverse भी नहीं सिर्फ Xenoverse 2, क्यों? क्योंकि Xenoverse 2 के अंदर थोड़े से और रियलिस्टिक चीजें आ जाती हैं, उसके अंदर थोड़ी सी और ग्रास इंप्रूवमेंट बैटल इंप्रूवमेंट्स हो जाती है। ऑल्दो कैकरोट अच्छी है बट कैकरोट थोड़ी सी अब पुरानी टाइप की हो चुकी है, आप समझ सकते हो उसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन डल है, बट इसके अंदर भाई थोड़ी सी रियलिस्टिक एनिमेशन है, प्लस इतनी भी रियलिस्टिक नहीं है कि आप सोचो कि हाँ भाई क्या ही बना दिया है, नॉर्मल है। जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, फिगर्स होते हैं ना एक्शन फिगर्स, ऐसा लगेगा जैसे एक एक्शन फिगर लड़ रहा है। अब आप जब गेम खेलोगे तब आपको पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा था, कभी गोकू लेके देखना उसके अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट के बारे में बात करते हैं, नरूटो श्रीपुडेन से एक गेम आती है लास्ट, नरूटो श्रीपुडेन अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 4।
अल्टीमेट निंजा स्टॉर्म 4 एक ऐसी गेम है जो मैं अभी भी अपने पीसी में डाल के रखा हूँ और अभी मैं इसको खेलता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स नरूटो से है। नरूटो अपनी फाइनल नाइन टेल फॉर्म के अंदर पहुंच रखा है। इसके अंदर सास के अमतरा फलाना डिमका सास के चार पांच बार तो अपने आप को बदल चुका है। सास के इसके अंदर वो वाला भी है जब ये अकात्सुकी को ज्वाइन कर लेता है। ऑल्सो इसके अंदर बहुत सारे हमारे फोर्थ होकागे थर्ड होकागे फिफ्थ होकागे सब है इसके अंदर। मिनाटो बढ़िया तरीके से इसके अंदर बैटल्स के अंदर जब टाइम आता है भाई तो इतनी सही तरीके से इसके अंदर एनिमेशन कर रखे है ना। अगर आप 1080p लो कर देते हो, 1080p छोड़ो, अगर आप 720 लो कर देते हो तब भी आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे तुम्हारे ग्राफिक्स गिर रहे हैं। तुम बोलोगे यार ये तो वही सेम ही तो है, इसमें मैंने लो क्या किया है। इतनी सही ऑप्टिमाइजेशन है इस गेम की। अब ये मैं खेलने की बात कर रहा हूँ क्योंकि इस गेम को मैंने पर्सनली खेलता हूँ, अभी भी खेलता हूँ, तो इस वजह से मैं आपको रेकमेंड भी करूंगा इस गेम को जरूर खेलो अगर आप एक नरूटो सिपुडन फैन हो तो। ऑल्दो बरूटो के इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, जैसे कि नरूटो के अंदर आप वर्सेस बैटल कर सकते हो, टूर्नामेंट लेजेंडरी लीग्स खेल सकते हो, बट अगर आप बरूटो को कोई फैन नहीं बट है अगर आप हो तो बरूटो टेल नाम से भी इसके अंदर जिसके अंदर पूरी बरूटो की एक स्टोरी लाइन चलेगी। ऑल्सो बरूटो के इसके अंदर आप कैरेक्टर्स देख सकते हो, वही क्या नाम था उस लड़की को, मैंने नाम भी भूल गया, सास्के का शारदा वगैरह सब है इसके अंदर, आप उनको भी खेल सकते हो। तो आप बताओ आपको वीडियो कैसे लगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और जितनी भी मैंने आपको गेम्स बताई है ड्रैगन बॉल जी में, तो मैंने आपको यार दो बता दी, कैकरोट और जेनोवर्स मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो इस वीडियो का एक्चुअल में थी गेम। कैकरोट मैंने आपको ऊपर से बताया कि अगर आपका बिल्कुल फिसड्डी बुरा मत माना फिसड्डी लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप उसके अंदर कैकरोट जरूर खेलना बिकॉज वो PPSS एमुलेटर पे भी अवेलेबल है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पहले जरूर से सब्सक्राइब करना। हम आपसे मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।